चलिए, वी वर टू प्रूव दैट एंगल सी पी डी 60 डिग्री, ये हमें प्रूव करना था। हमने ये कर लिया था, ये एंगल 60 डिग्री निकाल लिया था। अब ए और डी को आज तो सब सॉल्यूशन बताएंगे इसका, है ना। सी एंड बी, सी और बी को क्यों? थैंक यू, जरूरत पड़ेगी उसकी बाद में, अगर जरूरत पड़ी तो कर लेंगे। चलो, हमने क्या किया, ए और डी को ज्वाइन कर दिया। अब ए और डी को ज्वाइन करके क्या होगा, कहां ए डी बी, ओके ये आ गया आपका 90 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल। ए बी डायमीटर है, ए डी बी एंगल इन सेमी सर्कल बना, तो ये एंगल 90 डिग्री आ गया। अब सी डी, हाँ ये 60 गिवन है, बिल्कुल ठीक है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इट मीन्स कहीं कुछ गड़बड़ करी है आप लोगों ने, अब बताओ कहाँ गड़बड़ करी। कौन सा, मैंने तो वो यूज की यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट, उसमें भी मैंने गलती की है। अच्छा चलो इसको छोड़ो, हमने हमें ऐसे गिवन है ये इस तरीके से, ठीक है। ये पूरा एंगल था हमारे पास 90 डिग्री का, और इसमें से ये एंगल, ये वाला एंगल था हमारे पास 60 डिग्री का, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कौन सा एंगल आया, ए डी सी, ये वाला एंगल, ओके। चलो और नाइन्टी प्लस 30 120, तो ये एंगल आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ ऐसे करके सिमिलरली ये एंगल आपका 60 आ जाएगा, तो ये एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अदरवाइज वन मोर मेथड यू कैन यूज, 90 तक यहाँ आपने कर लिया सेम चीज, ये एंगल हमारा 90 आ गया, ये वाला, ठीक है, तो बाकी भी कितना आ जाएगा, 90। अब ये सी डी कॉर्ड अगर आप लेते हो, तो सी डी कॉर्ड पे सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना बनेगा, 30 डिग्री का, हाफ ऑफ दैट। अब आप ये बड़े वाला ट्राइंगल ले लो, अगर दिस वन, इसने मुझे ये एंगल, मैंने 90 निकाल लिया, ये एंगल मैंने 30 निकाल लिया, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। दोनों में से जो मेथड इजी लग रहा है, गो फॉर दैट मेथड। सिर्फ हमने एक कंस्ट्रक्शन की है इसमें, कि ए और डी को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये कॉर्ड सी डी से बन रहा था आपका, ये वाला एंगल सी डी से सेंटर पे एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा था, तो सी डी से ही रिमेनिंग पार्ट पे एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री का। सेकेंड हमने क्या किया, इधर से ए डी बी लिया, यहाँ से ए डी बी जो है दैट इज एन एंगल इन द सेमी सर्कल, तो ये एंगल मुझे मिल गया 90 डिग्री। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 90 है, तो बाकी वाला ये भी आपका क्या आ गया, 90 डिग्री। अब हमने ये वाली ट्राइंगल ले ली ए सी ए डी पी, ए डी पी में ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री था, ये एंगल 90 डिग्री था, तो दिस विल बी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास एंगल सी पी डी जो है वो आ गया 60 डिग्री। तो जो मेथड इजी लग रहा है, गो फॉर दैट, क्लियर। लिख लोगे इसको कि लिखवाऊं? चलो ओके, सो विद दिस हमारी जो रिवीजन है चैप्टर सर्कल्स की, दैट इज ओवर। बुक दिखा दो एक बार, मैं बुक में से देख लूं कि कौन सा क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ। आपके पास है बुक, फिर भी सेंटर वाला बच्चा रख लेना। हाँ जी जाइए,
हाँ, ये एग्जाम्पल थ्री जो है वो बिल्कुल सेम था, पेज नंबर 183 पे, एग्जाम्पल थ्री सेम है, वहां पे बस आपके जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट दे दिए गए हैं, पी की जगह आपका ई दे दिया गया है, तो वहां पे एंगल एई बी जो है वो आपने प्रूव करना था, हम क्या कर रहे थे, एपी बी या सीपी डी, तो किसी भी वे में वो आपका आ सकता है। एक बार खुद क्वेश्चन चेक कर लो, जो आपको अब लग रहा है कि ये हमें अभी समझने की जरूरत है, तो दैट वी विल डिस्कस। एग्जाम्पल सिक्स ऑफ एंड ओके, एग्जाम्पल सिक्स देखो, पेज नंबर 184 पे, एग्जाम्पल सिक्स पेज नंबर 184, एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मिल गया, प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। साइक्लिक प्रूव करना है मीन्स ओपोजिट एंगल्स का सम 180, या सिंपली ओपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट। मुझे गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो कोई एक क्वाड्रिलेटरल आप फॉर्म कर लो, लेट अस सपोज दिस इज ए बी सी डी, अब इसका एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, देन इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर एंड इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, हमें शो करना है दैट दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इनके नेम्स दे दो आप कुछ भी, पी क्यू आर एस ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो मर्जी दे दो, ए बी सी डी हम ऑलरेडी ले चुके थे। अब मुझे क्या शो करना है, दैट एंगल ई प्लस एंगल जी इज 180 एंड एंगल एफ प्लस एंगल एच इज 180। गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड इट्स इंटरनल बाइसेक्टर्स, और टू प्रूफ में एंगल ई प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एफ प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या करेंगे, वन कौन सा, मैंने जब नोटबुक्स भी चेक की है ना, वन टू वहां पे मेंशन था, सॉल्यूशन में फिगर में दिख ही नहीं रहा, नंबर कट जाएंगे आप लोगों के ऐसे, ट्राइंगल ए डी ओके, इन ट्राइंगल ए डी, इसको इक्वेशन मान ले, ओके ये ले ली, दोनों ट्राइंगल से हमने क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। अब कैसे, हाँ वही तो, कैसे, मतलब यू वांट टू से कि हम एंगल एईडी को रिप्लेस कर दें एफईएच से इन इक्वेशन वन, यही चीज हो गई ना। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो मेरे पास एंगल ए ई डी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल एफ ई एच, ये मुझे गिवन है, ठीक है, तो मैंने क्या किया था, हाफ ऑफ एंगल ए,
आप जिसको एंगल वन बोल रहे हो, प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज प्लस एंगल ए ई डी इक्वल टू 180 लिया था आपने, कहा इनको हम इधर ले गए वो नेगेटिव हो गई, इसको फिर हमने रिप्लेस कर दिया FEH से। सेम चीज हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी डी, डी आएगा यहाँ, प्लस FEH इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो इक्वल, यही कह रहे थे आप। हाँ जी, यहाँ पे भी सेम, नहीं मैं ये लिया हमने हाफ ऑफ एंगल सी प्लस बी जी सी किसके रिप्लेस हो जाएगा, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल इज एफ जी एच। अब इक्वेशन वन एंड टू को ऐड करो क्या आएगा, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ हाफ कॉमन लेके, ठीक है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और क्यों ये कहाँ गए दोनों, एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच इज इक्वल टू 360 हो गया। अब दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल के करके ये कितना बन गया 360। तो जो बच्चा आज फर्स्ट डे आया है सबको मिल गया था, कल नहीं लिया था सॉरी, अच्छा मैं आपको पीछे से दस्त, और कौन है आस्था तो दे रहे थे बेटे, मिल गया ना, मिल तो गया बस। सो ये बन गया हाफ ऑफ 360 डिग्री प्लस एफ ई एच इज इक्वल टू 180, ये 180 360, अब ये 180 बन गया, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एफ ई एच प्लस एफ जी एच कितना आ गया 180 डिग्री। तो ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री मीन्स दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सिमिलरली EFG plus EHG is 180, so hence it is a cyclic quadrilateral as the sum of the opposite angles is 180. Clear? और कौन सा question था? Fourth, third. In the given figure 10.37, angle PQR 100 है, when PQ and R are points on a circle with center O, find angle OPR. हम आगे, हमें कोई नोटबुक कोई बुक कोई पेन पेंसिल की जरूरत ही नहीं है, हम ओरल सारा मैथ्स कर लेते हैं। और नंबर फिर मैं बता दूं कि नंबर फिर कम आने हैं क्योंकि राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है, मैथ्स में राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए और स्पीड हो जानी है कम, पेपर नहीं होना पूरा क्योंकि लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप। 14 क्वेश्चन आने हैं, टाइम भी उसके अकॉर्डिंगली मिलना है ना, 14 क्वेश्चन, ये नहीं है कि यू विल बी एबल टू कंप्लीट इन हाफ एन आवर, मार्क्स 40 के हिसाब से है, टाइम ज्यादा कैसे दे देंगे, खुद को इम्प्रूव मत करो, सारे हम जो है वो रूल्स तोड़ दें आप लोगों के लिए। चलिए, हमें गिवन है इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इज 100 डिग्री, this is 100 degree given to us and we are to find the value of angle OPR, ye wala angle humne nikalna hai, haan ji bete, kyunki mujhe jo angle given hai na 100, agar main usko leke chalti hu to center pe angle jo hai wo opposite side pe banta hai, जिन आप ये कह सकते हो कि जिस कॉर्ड को ज्वाइन करके ये बन रहा है, ये इस सेगमेंट में बन रहा है, तो जो आपका वो है एंगल जो लेना है सेंटर पे वो ओपोजिट साइड पे लेके चलना है। तो ये एंगल अगर मेरा, मैं इसको लेके चलती हूँ पी ओ आर को, ये एंगल है सेंटर पे अगर बन रहा है
ये साइड्स हैं, तो इसके ऑपोजिट साइड पे 100 लेके चलना। जिन दो लाइंस से एंगल बन रहा है ना सेंटर पे, जैसे ये सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, तो इनको क्रॉस करके जो दूसरी साइड है वहां पे रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल हाफ होता है। अब इसमें अगर मैं लेके चलूं तो एंगल इन दो से यहाँ पे बन रहा है, मतलब पी आर से जो है वो यहाँ पे बन रहा है। तो पी आर वाले पॉइंट्स जब मैंने सेंटर पे ज्वाइन किए तो एंगल मेरा इधर बन रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट या तो ये इधर होना चाहिए, बट इसका जो रिमेनिंग पार्ट है कहाँ आ रहा है, इस साइड पे, तो इसके ऑपोजिट साइड पे एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड पे मींस वी आर टू टेक द रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है सबको? अब ये 100 है तो ये 200 हो गया, ये कितना आ जाएगा 160। तो क्योंकि ये दोनों साइड्स सेम है, रेडियाई है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। दोनों का सम टोटल कितना रह गया, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम ध्यान रखें ट्रायंगल की, तो एंगल सम जो है दैट कैन नॉट बी मोर देन 180, 160 ये है, तो बाकी दो का 20 रह जाएगा, तो ये भी 10 आएगा और ये भी 10 आएगा, क्योंकि ओपी इज इक्वल टू ओआर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन ऑफ दिस, एनी एग्जाम्पल, एनी क्वेश्चन? कौन सी एक्सरसाइज थी? ओके, 10.4 में क्वेश्चन नंबर 5 हम ले रहे हैं। थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 meter ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 meter ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? ये दोनों के बीच में 6 meter का डिस्टेंस गिवन है, और सेंटर जो है रेडियस कितना गिवन है, 5। ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, सलमा एस से रिप्रेजेंट किया, रेशमा आर से रिप्रेजेंट किया, मनदीप को एम से रिप्रेजेंट किया, सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, इस पॉइंट को मान लो मैंने ले लिया पी। अब यहाँ पे हमने सबसे पहला कंसेप्ट क्या लगाया था, कि क्योंकि ये दोनों साइड्स आपकी सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने क्या किया था, यहाँ से, अदरवाइज आप ऐसे भी करके चल सकते हो कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, उससे क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट शो कर दो, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मींस आर पी इज इक्वल टू आर पी इज इक्वल टू पी एम। अब जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इट मींस ये आपकी लाइन जो है वो सेंटर में से पास करेगी। क्लियर, तो ये सेंटर में से पास कर रही है, मींस ये भी परपेंडिकुलर हो गया आपका। अब इस वाले के लिए ये साइड हमें कितनी गिवन है, 5 गिवन है, ये हमें नहीं पता कितनी गिवन है, और ओवरऑल ये मुझे पता है ये 5 है, तो हमने इसको क्या किया, एक को एक्स ले लो, तो ये आपका 5 - x आ जाएगा, जिसमें मुझे ये 6 गिवन है। तो एक इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, एक इसमें लगा लो, ये चीज दोनों की सेम है, इक्वेट करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आप निकाल सकते हो, और ये वाली वैल्यू का डबल कर दोगे तो आपके पास आर एम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? या फिर आप डायरेक्ट भी इसमें कंसेप्ट लगा सकते हो कि ये आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो कॉमन वर्टेक्स होता है, जब आप उसको सेंटर से ऐसे ज्वाइन करते हो, तो दैट लाइन जो है उसके जो ये कॉर्ड बन रही होती है उसको टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है, जैसे कन्वीनियंट लगे गो इन दैट वे। और सर्कल का उसमें सिंपल है, आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है विद द हेल्प ऑफ अ बेंगल, और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दो कॉर्ड्स हमने इसमें लेनी है, दो कॉर्ड्स जो लेनी है दैट शुड नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, कॉर्ड्स को या तो एक ही वर्टेक्स से ले लेते हैं, या फिर ऐसे लो कि इसके पैरेलल नहीं होने चाहिए, उसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो,
ए पे रखो, मोर देन हाफ कंपास खोल के ऊपर नीचे आर्क लगा लो, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इधर से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं आपके जहां से पास करेंगे दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये ऐसे कहीं जाएगा आपका, इधर से ऐसे कहीं जाएगा, तो जहां ये दोनों मीट कर रहे हैं दैट विल बी पॉइंट ओ। ये टेंथ में भी कंसेप्ट आपका यूज होना है सेम कंस्ट्रक्शंस में, तो आपको वहां पे भी एक सर्कल गिवन होगा जिसका सेंटर नहीं पता होगा। टेंथ में हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने आते हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें सेंटर जो है वो नेसेसरली चाहिए ही चाहिए होता है, तो वहां पे भी ये आपने करना है पहले सेम। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना ताकि टेंथ में आपको दिक्कत ना आए। आपने बेंगल से एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए कहीं पे भी दो कॉर्ड्स ले लो, जरूरी नहीं है कॉर्ड्स इक्वल हो, बट ये ध्यान रखना है कॉर्ड्स शुड नॉट बी पैरेलल, क्योंकि अगर पैरेलल कॉर्ड्स ले लोगे ना तो जब आप उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करोगे तो वो सेम होंगे, तो आपको सेंटर वाला पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि आपको नहीं पता लगेगा वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वो ओवरलैप कर रही होंगी, तो इसलिए लाइन्स जो है वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो जब आप उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करोगे तो वो लाइंस क्लियर कट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं आपको इंटरसेक्ट करते हुए दिखेंगे, तो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, कर लोगे। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? एग्जांपल टू देखो पेज नंबर 178 पे, विल यू बी एबल टू डू दैट? इजी है कॉन्ग्रुएंसी लगा के। Online students also, bache, if any doubt is there from the book for this chapter, you can ask for your doubts. You are having the option to unmute yourself. Otherwise, I am starting with the revision of next chapter. Kaun sa hai? Construction se revision test 2 ka. In between, you are preparing for your revision test 1. If you are having any problem related to that topic also, so you can ask your doubts for that also. Main notebook nikal do bag mein se agar aapse nahi nikal rahi hai to. Pen main de deti hu. Haan ji bache. If any doubt, otherwise Monday, Tuesday also you can ask for your doubt. ठीक है, चलिए next हम start कर रहे हैं with the constructions. Construction material है, हाँ जी, चलो Monday लेके आओगे, Monday, ताकि मैं आपको साथ के साथ ऑब्जर्व कर पाऊं कि आप कंस्ट्रक्शन सही कर रहे हो या नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में इतनी आपकी जो कंस्ट्रक्शन है, वैसे तो हमने ऑफलाइन किया था ये चैप्टर, बट स्टिल अगर हम रिवाइज करेंगे तो उसमें इतना पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो मंडे ऑनवर्ड्स यू विल ब्रिंग योर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। फर्स्ट जो है इसमें टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। देखो जब आपको लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है तो आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन?
एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक्चुअली योर वॉइस इज इनऑडिबल। जस्ट अ मोमेंट, नाउ इज इट ओके? यस मैम, ओके फाइन, इट्स ऑडिबल। सो ये चीज का ध्यान रखना है आपने। इन केस अगर मुझे एंगल जो है वो ऐसे गिवन है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे रखूंगी मैं डी को। अब लाइन कहाँ है, इस साइड आ रही है, तो इस साइड वाले जीरो को आपने लेके चलना है। बस ये ध्यान रखना, कभी आपका एंगल का जो मेजर करोगे आप, उसकी मेजरमेंट ले रहे हो, वो कभी भी गलत नहीं होगी। क्लियर? जिस साइड लाइन जा रही है उस साइड वाले जीरो को आपने काउंटिंग के लिए लेना है कि यहां से हम एंगल की वैल्यू काउंट कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो था हमारा वो था टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आप लोगों को आता है तो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस। टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। अब रे जब हमें गिवन होती है तो रे में यू नो देयर इज अ पॉइंट जहां से लाइन शुरू, रे जो है वो शुरू होती है एंड इट एक्सटेंड्स टू द अदर साइड। रे को आपको पता है वी ऑलवेज एक्सप्रेस इन दिस वे, हम इसको हमेशा इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां से ये रे आपकी फॉर्म होनी शुरू हुई, यानी कि जहां से इसने चलना शुरू किया, दैट पॉइंट, यानी कि जो एक एंड इकलौता एंड पॉइंट होता है रे में, तो दैट एंड पॉइंट इज द इनिशियल पॉइंट। इस साइड एरो है, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस विल एक्सटेंड अप टू, दिस कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो हमें क्या गिवन है, उसने क्या कहा, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। अब ये रे हमें गिवन है एंड दिस इज द इनिशियल पॉइंट। 60 डिग्री का एंगल आपको पता है कैसे बनाते हैं, अगर ये पॉइंट मेरा ओ है, दिस पॉइंट इज ए, क्या करेंगे, ओ पे कंपास रख के आर्क ड्रॉ करोगे। सबसे पहले आर्क ड्रॉ करने के बाद ये आर्क ड्रॉ हो गई, जहां पे ये वाली आर्क आपकी इसको कट कर रही है उतनी ही कंपास आपकी खुली रहेगी। यहाँ रख के फिर से आर्क लगाओगे, इनिशियल पॉइंट और जहां ये दोनों आर्क्स कट कर रही हैं, इनको ज्वाइन कर दोगे तो यू विल गेट योर एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर आपको 120 का एंगल ड्रॉ करना है, सेम वे में एक और आर्क आप लगा दोगे, ये एंगल आपका कितना बन जाएगा, 120 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो 90 जो है दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो 60 और 120 मींस ये वाले पार्ट का आपने क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हम 90 के लिए आपको पता है, इसीलिए एक आर्क हम यहाँ पे रख के लगाते हैं और एक आर्क हम यहाँ पे रख के लगाते हैं। तो एक्चुअल में हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, एंगल बिटवीन 60 एंड 120 का बाइसेक्टर हम ले रहे होते हैं। 60 और 120 में मेजर कितने का है, 60 डिग्री का। तो 90 का एंगल बनाने के लिए, यानी कि अगर मैं इस 60 का हाफ कर दूं तो 30 इधर है और 30 इधर है। ये एंगल मेरा इतना मेजर 60 का था, इसमें मैंने ये 30 ऐड कर दिया, तो मेरा ये एंगल जो है वो कितने का बन जाता है, 90 डिग्री। ठीक है, एक्चुअल में जो हम इसमें लॉजिक लगा रहे हैं वो ये है कि 60 अगले वाले 60 का जो मेजर था हमने उसका हाफ कर दिया, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा दिस विल बी 90 डिग्री। ठीक है, अब मुझे अगर बनाना है 150 डिग्री का एंगल, देन 150 120 से बड़ा बनेगा, 120 में कितना ऐड करना है, 30 डिग्री। तो मेरा जो ये 120 वाला एंगल है, इट मींस इसके इधर वाला जो पार्ट मेरा बचा, दैट इज 60 डिग्री। तो इधर वाले पार्ट का हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला जो आपका एंगल बनेगा दिस विल बी 150 डिग्री। तो ये चीज आपको जो है वो कह लो कि ऑब्जर्वेशन से या प्रैक्टिस से आएगी कि कोई एंगल अगर हमें ड्रॉ करना है तो किस वाले एंगल का जो है बाइसेक्टर हम लें, किस वाले एंगल का बाइसेक्टर हम ना लें, ये ध्यान रखना है। सेकंड थिंग जो मतलब मेन होती है इसमें, कि कौन से एंगल आप कंपास से बना सकते हो, कौन से एंगल्स आप कंपास से नहीं बना सकते। वन मार्क क्वेश्चन भी आपका कई बार आ जाता है कि विच एंगल्स यू कैन मेक विद द कंपास एंड विच एंगल्स यू कैन नॉट मेक विद द कंपास। सो ऑल दोज एंगल्स विच आर डिविजिबल बाय 15
or you can say which are multiple of 15, they can be made with the compass, and those angles which are not divisible by 15, they cannot be made with the compass. ठीक है, तो जो सबसे पहला एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं कंपस से वो कौन सा है? 15 का हाफ नहीं कर सकते, क्यों? 7.5 बन सकते हैं 15 के एंगल का बाइसेक्टर, नो डाउट कि वो बनेगा बहुत छोटा, 7.5 का फिर वो दिखने नहीं ना आर्क्स, तो मिनिमम 7.5 का आप बना सकते हैं, उसमें आप कोशिश करना आज आर्क्स बड़ी लेके उसको ड्रॉ करने की, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा बन सकता है कि नहीं बन सकता. 7.5 का डबल 15, 15 का डबल 22.5 का बनाना है तो 45 का हाफ कर दोगे, 30 के बाद 45 का बना सकते हो, 45 के बाद 60, 15 का टेबल बोलते जाओ, वो एंगल्स आप बना सकते हो. और अगर इन केस उनके बीच वाला कोई लेना है आपने, जैसे 22.5 है, अगर मैं वैसे देखूं तो 22.5 डिविजिबल नहीं है, बट कैसे ड्रॉ कर रहे हैं हम उसको, 22.5 का डबल 45, 15 का जो है टेबल से डिविजिबल है तो 45 का हाफ कर दोगे तो दैट विल बी 22.5. तो जिस एंगल को चेक करना है डायरेक्ट चेक कर लो, या तो वो डायरेक्ट 15 से डिवाइड हो रहा है या वो उसका हाफ जो है गिवन है किसी एंगल का, तो डबल करके चेक कर लो. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है दैट इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स. तो आपको जो है डिफरेंट साइड्स गिवन हो सकती हैं, तीनों की तीनों साइड्स गिवन होंगी, ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, या फिर सम ऑफ टू साइड्स एंड वन बेस एंड एंगल बिटवीन द जो है वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल आपको गिवन होगा, देन डिफरेंस ऑफ टू साइड्स वन बेस एंड वन एंगल गिवन होगा, या राइट ट्राइंगल गिवन होगी उसके परपेंडिकुलर और लेग्स आपको गिवन जो है परपेंडिकुलर लेग्स होंगी वो आपको गिवन होंगी. तो अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट है वी विल ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन. सो मंडे यू आर टू ब्रिंग योर कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर 11. इफ एनी डाउट इज देयर फ्रॉम टुडेज लेक्चर